ग्रीटिंग्स एवरीवन, कॉमर्स विद डिफरेंस चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों टर्म्स एक ही हैं। चलिए देखते हैं। लेसन वन थिंग, देखिए जब हम अकाउंटिंग शुरू करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले किससे शुरुआत करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स हैं ना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट पे डेबिट क्रेडिट के जो रूल अप्लाई होते हैं उनके अकॉर्डिंगली हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। वो जर्नल एंट्रीज कहाँ करते हैं आप सभी जानते हैं, वो जर्नल एंट्रीज हम करते हैं जर्नल में। इसके साथ साथ आपको एक चीज बताई जाती है कि जब बिजनेस का साइज छोटा है तो हम सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, तो वहां वर्ड कौन सा यूज होगा, जर्नल, और कहीं रिकॉर्ड नहीं होंगी। That is the original book of entry, यानी सारी एंट्री जिस बुक में होती हैं, जब बिजनेस का साइज छोटा हो और ट्रांजेक्शंस कम हो तो हम सारी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। एट द सेम टाइम मान लो बिजनेस का साइज बड़ा होता चला गया और हर रोज परचेज, सेल, एक्सपेंसेस और अदर आइटम्स की बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होने लग गई और हमें लगा कि अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है सभी ट्रांजेक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करना, तो हम क्या करते हैं उस केस में, जितनी हमारी कैश ट्रांजेक्शंस होती हैं उनको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। देखिए कैश बुक, कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होंगी, कैश ट्रांजेक्शंस। जब हमें लगता है कि बिजनेस में क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल भी बहुत सारी है तो हम क्या करते हैं, हम परचेज बुक मेंटेन करते हैं। परचेज बुक में क्या मेंटेन होती है, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेजेस। इसी तरह सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। देखिए इसके साथ साथ परचेज रिटर्न बुक भी आती है, सेल्स रिटर्न बुक भी आती है, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। मैं दोबारा याद दिला दूं आपको, ये सब्सिडियरी बुक्स बोलते हैं हम इनको। सब्सिडियरी बुक्स क्या होती हैं, मैंने जैसा अभी बताया आपको, जब बिजनेस का साइज क्या है बड़ा हो जाए और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन बहुत सारी होने लग जाए तो सभी ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड नहीं कर पाते, मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं इस जर्नल को सब डिवाइड कर देते हैं। That journal is subdivided into subsidiary books. और उन subsidiary books का नाम क्या है? Cash book, purchase return book, sales return book, bills payable book, bills receivable book. अब याद रखिए। इसका मतलब कुछ specific transactions तो इनमें आती हैं, जैसे सारी cash transactions यहाँ आ जाएंगी, सारी credit purchases of goods यहाँ आ जाएंगी, सारी क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स यहाँ आ जाएंगी। इसके बावजूद कुछ ट्रांजेक्शन्स रह जाएंगी बहुत कम, 5-10% जो ट्रांजेक्शन्स इन सब्सिडरी बुक्स में नहीं आएंगी। उन ट्रांजेक्शन्स को हम कहाँ लिखेंगे, उन ट्रांजेक्शन्स को हम लिखते हैं जर्नल प्रॉपर में, यानी उस केस में जर्नल का नाम बदल कर क्या हो जाएगा, जर्नल प्रॉपर। यानी जर्नल प्रॉपर में कौन सी ट्रांजेक्शन्स आएंगी, अदर ट्रांजेक्शन्स। अदर का मतलब द ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन दीज सब्सिडियरी बुक्स। तो ये अब समझ लीजिए, जब सारी ट्रांजेक्शन एक ही बुक में आती हैं, ओरिजिनल बुक ऑफ जर्नल एंट्री, तो उसे हम जर्नल बोलते हैं। जब ट्रांजेक्शंस बहुत सारी हो जाए तो जर्नल को हम सब डिवाइड कर देते हैं सब्सिडियरी बुक्स में, और बाकी की जो ट्रांजेक्शंस बचती हैं उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल प्रॉपर में। यानी जर्नल का नाम बदलकर क्या हो जाएगा, जर्नल प्रॉपर, और इसमें बहुत कम ट्रांजेक्शंस आती हैं। मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एंट्रीज फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एंट्रीज फॉर एक्रूअर्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। सिर्फ इस तरह की ट्रांजेक्शन ही हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। कहने का मतलब, जब ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री एक हो तो जर्नल बोलते हैं, जब उसे डिवाइड कर देते हैं सब्सिडरी बुक्स में तो उसका नाम बदल कर क्या हो जाता है बच्चों, जर्नल प्रॉपर। इसकी बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज एक स्टूडेंट को होना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे जब
एग्जाम देंगे सीए से रिलेटेड, सीएस से रिलेटेड या कोई भी अकाउंटिंग में हम आगे बढ़ते हैं, तो ये बेसिक और जो डेप्थ नॉलेज है यही हमारे काम आती है। तो उम्मीद है जनरल और जनरल प्रॉपर का डिफरेंस आप सभी को समझ में आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, इम्प्रूव योर नॉलेज।